अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमत से खुश और बाश होंगे। माशाल्लाह से आज का व्लॉग फिर माशाल्लाह सबसे पहले तिलावत करेंगे। हाफिज़ बिलाल जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है जब ये कुरान पाक की तिलावत पढ़ते हैं, तो दिलों को सुकून मिलता है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और एंड में मलिक हाफिज़ बिलाल भाई जो है ना, वो आपको बताएंगे कि ईमान की हिफाज़त क्या होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईमान की हिफाज़त, और सब मुख्तसर सा जो है ना इनका बयान होगा। सबसे पहले ये तलावत पढ़ेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक लाइन जो है ना मैं वो कलाम की पढ़ूंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह इजाज़त। सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये चैनल जो है ना ये सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना हो सके शेयर करें। माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और मज़ीद बरकत डाले, आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहाँ भी हो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आए ना सुनते हैं, पसे दीदार सुनते हैं। सरे आए सुनते हैं, फंसे दीदार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, ये चैनल तो हमने ब्लॉग के नाम से क्रिएट किया हुआ है, और जैसा कि आपको पता है कि हालात कुछ इस तरह के आए हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया सबके लिए, और मुझसर सी तलावत होगी, मुझसर सा कलाम पढ़ा जाएगा ताकि आप तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और सवाब की नीयत से शेयर करनी है आपने ये वीडियो। अभी हाँ, हमारे बिलाल भाई हैं, वो माशाल्लाह से बयान अर्ज करेंगे। मौजू जो हमारा आज का, वो ईमान की हिफाजत है। जी हाफिज जी, माशाल्लाह। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि हमारा आज का मौजू है ईमान की हिफाजत। माशाल्लाह। ईमान की हिफाजत किस तरह करें? ईमान की हिफाजत उस तरह होगी कि अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, बेशक। हम नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे तो हमारी ईमान की हिफाजत होगी। छोटा सा वज़ाइफ है जो कि हम पढ़ेंगे और हमारी ईमान की हिफाजत होगी। माशाल्लाह। आइए मिलके पढ़ते हैं। हुवल्लाहुर्रहीमु, वल्लाहुर्रहीमु, जो हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शैतान के शर से बचा रहेगा और उसका ईमान पर खात्मा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान कितना अल्लाह। प्यारा वज़ाइफ है और छोटा सा मुख्तसर, और इससे हमारे ईमान की हिफाजत भी होगी और शैतान के शर से भी हम बचे रहेंगे। आइए फिर हम इसको वज़ाइफ को पढ़ लेते हैं। हुवल्लाहुर्रहीमु, हुवल्लाहुर्रहीमु, जो 7 बार हर नमाज के बाद पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शैतान के शर से भी बचा रहेगा और उसका ईमान पर खात्मा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा वज़ाइफ है इसको जो हमने अब तक पहुंचाया है। आप इसको आगे दोस्तों तक सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें। इंशाल्लाह इसको आपका सवाब होगा और जो इसको पढ़ेगा उसको भी इसका सवाब होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।